कात्यायनी रही भगवान शंकर जी के साथ में, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा सब भगवान शिव जी के साथ में रहे। परंतु भगवान कभी अपने साकार विग्रह में नहीं आए, भगवान लिंगायत स्वरूप में थे, लिंग के स्वरूप में थे। जो ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जो प्रकट करा था, एक अग्नि के खंभ से, एक पर्वत के खंभ से, भगवान शंकर का जो शिवलिंग, जो स्वरूप प्रकट करा था, मेरा देवाधिदेव महादेव सती मैया के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, उमा जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, कात्यायनी जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा के साथ में रहे तो वैसे ही रहे। पर जब पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए, और पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए, तब सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने शंकर भगवान की आराधना करी, तब भगवान शंकर पार्वती जी के दरवाजे पर अपना साकार स्वरूप प्रकट कर जाते हैं। अपना साकार स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल शरीर को लाभ देता है, बहुत बीमारी होने पर, उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, इन दोनों में बहुत अंतर। एक बार माता उमा जी ने भी भगवान महेश से पूछ लिया, जरा ध्यान देना, एक बार माता उमा ने महेश भगवान से पूछा था काशी में, नंदन वन में माता उमा बैठी हुई है और भगवान देव अधिदेव महादेव आज नंदी पर आ रहे हैं, और नंदी पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव आ रहे हैं, इनके पास में ना सुदर्शन चक्र है ना भगवान के पास में त्रिशूल है। पहुंचे नंदन वन में, माता उमा ने महेश भगवान को देखा, भगवान महेश को देखा, भगवान शिव को देखा, प्रभु एक मेरे मन में संशय है, आप उसको क्या मिटा सकते हैं? शंकर भगवान ने बोला, बोलो क्या संशय? संशय केवल इतना सा है, काशी में कल्प वृक्ष है, देवलोक में कल्प वृक्ष है, कई जगह पर लोग कल्प वृक्ष लगाते भी हैं, सारी दुनिया में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठता है और बैठा तो जो मांगता है वो उसको मिलता, कामना की पूर्ति होती। अब कल्प वृक्ष से जो मांगा गया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो होता है, एक कथा आती है अग्नि पुराण के अंतर्गत, एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति जाकर चलते 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 थक कर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसको नहीं मालूम कि यह कल्प वृक्ष है, उसने बस उसके नीचे बैठा और बैठते से सोचा, भगवान बहुत भूख लग रही है, परमात्मा कहीं से भोजन आ जाता तो अच्छा, इतनी देर में चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगे हुए भोजन आ गया, उसने कर भी लिया। अब मन में सोचा, भगवान क्या भरपेट भोजन मिला, कहीं से गाड़ी तकिया आ जाए,
तो मैं तो सो जाऊं। इतनी देर में गादी तकिया भी आ गया, वो सोने भी लगा, लेटा ही था, इतनी देर में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया। तो इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा भी, उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। अगर उसको मालूम होता ना कि ये कल्प वृक्ष है तो वो ये सब चीज नहीं मांगता। सबसे पहले मांगता कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। उमा जी ने भगवान महेश से प्रश्न किया, भगवान महेश से प्रश्न किया है कि भोलेनाथ, हे महेश, हे बाबा देवाधिदेव महादेव, मेरा निवेदन है, सतयुग है कल्प वृक्ष है, त्रेता युग है कल्प वृक्ष है, द्वापर युग है कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसे वो मिल जाता है। क्या कली काल में कोई कल्प वृक्ष नहीं होगा? देवाधिदेव महादेव ने जो कहा, मैं इस बड़ोदरा की पावन धरा से कहना चाहूंगा, आप भी जरा ध्यान लगा कर सुनना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस बड़ोदरा के पावन ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप आए हो, उसको ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं कि सतयुग में कल्प वृक्ष है, त्रेता में कल्प वृक्ष है, द्वापर में कल्प वृक्ष है, क्या कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? भगवान महेश ने कहा, कौन कहता है माता उमा कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? कल्प वृक्ष तो होगा, पर उस वृक्ष के नीचे कोई भी कितना भी बैठकर मांग ले उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लो रे बड़ोदरा वाली जी जियो अच्छे से, और जितने बैठे हैं मेरे जी जाओ, तुम भी अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुनिए। कल्पवृक्ष तो होगा, ऐसा नहीं है कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है। कई लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा, यहाँ पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे? वहां पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे? तो कितना कल्प वृक्ष! भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने माता उमा से कहा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष होगा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष रहेगा। तो क्या कल्प वृक्ष जब कलिकाल में रहेगा और आप कह रहे हो कि मनुष्य कितना भी उसके नीचे बैठ जाए पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या संसार में जैसे केला नकली होता है, सेव फल नकली होता है, खाने वाला तेल नकली होता है, घी नकली होता है, पेट्रोल भी नकली हो गया, तो क्या कल्प वृक्ष भी नकली होगा क्या? शिव जी मुस्कुरा के बोले, री पार्व, ए उमा, कल्प वृक्ष नकली नहीं होगा, पर जो उसके नीचे बैठा है वो नकली। कल्प वृक्ष क्यों नकली होगा? भजन के बल पर मीराबाई को भगवान कृष्ण मिल गए थे, भजन के बल पर नामदेव जी को हरि विट्ठल मिल गए थे, भजन के बल पर रामकृष्ण परमहंस को जगदम्बा मिल गई थी, भजन के बल पर तुकाराम जी को पांडुरंगा का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर परमात्मा का दर्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, पर पहले जैसा भजन आज नहीं होता है, नहीं तो परमात्मा तो मिल गया। कल्प वृक्ष असली है, बस बैठने वाला। बहुत समझने वाली बात है ये, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनके जैसे अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, ऐसे वहीं पर कहीं पे सर्कस आ गया। जो सर्कस आया तो पढ़ा लिखा लड़का जाकर बोला सर्कस के मैनेजर से, सर मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने MBA सब करा हुआ है सर, मेरे को नौकरी दे दो सर। सर ने कहा, हमारे यहाँ नौकरी तो मिल जाएगी पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और तुम्हें पिंजरे में छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, तो तुम्हें
9,000 रुपये महीना मिलेगा कि ठीक है सर दे दो, मैं दे दूंगा। मरता क्या नहीं करता, नौकरी नहीं है तो बेचारा उसने सर्कस में नौकरी कर ली, इसको पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। जैसे ही पिंजरे में छोड़ा, छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें शेर आ गया पिंजरे के अंदर। पहले ही कहा था कि शेर आएगा, और शेर आया दहाड़ता हुआ। जो शेर धाड़ता धाड़ता इसके पास आए, ये पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे खसकता जाए। शेर एकदम कूद के इसके पास में गया और जाते से ही बोला, तू चिंता मत कर, मैं 5,000 में शेर बना हूं, तू 9,000 में बंदर बना है। नकली के युग में सब नकली नजर आता, सब वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बहुत कठिन है असली मिलना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, तो असली गुरु कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत। इतना गुरु हो गया, इतना गुरु हो गया, 2 रुपए किलो में ढूंढ लो। तुम जाना किसी कुंभ के मेले में, ढेर गुरु ही गुरु मिलेगा, ढेर सारा साहब, इनका इतना, इनका इतना, इनका ये मठ ने, उनका ये मंदिर ने, उनका ये, इतना गुरु। अब इसमें पहचानो तो असली कौन सा है रे, असली कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, असली वही मिलेगा जो तुम्हें बस खुद से ना जोड़कर परमात्मा से जो जोड़ दे, राम नाम और कृष्ण नाम शिव नाम से जोड़ दे, बस वही असली। जो आपको अपने घर का पता बताए, जो आपको अपना पता बताए, वो असली नहीं हो सकता। जो आपको परमात्मा का पता बता दे, बस वही असली हो सकता है। बाकी का दुनिया में सब नकली, सब नकली। उमा माता ने कहा महादेव जी से, महेश्वर भगवान से, तो क्या कल्प वृक्ष नकली होगा? नहीं, जो नीचे बैठा है वो नकली है। अगर वो असली होता और कल्प वृक्ष के नीचे बैठता तो कल्प वृक्ष उसको देता, तो फिर संसार के लोगों के लिए वो कौन सा कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएगा और उसकी मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो मेरे भगवान महेश ने कहा वो कल्प वृक्ष एक है जो तुम रूका जी ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाई, वो कथा का जहां पंडाल लगेगा वो कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी बैठ गया तो भी फल पाकर ही जाए। कोई कैसा भी बैठा है उसे फल मिलेगा, भले वो किस भाव से बैठा, उसने ये सोचकर बैठा कि मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। इसलिए हम शिव महापुराण में बार बार कहते हैं ये साधारण सी शिव पुराण नहीं, ये वो कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ गया उसको वो मिल गया। भले तुम चैनल पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कल्प वृक्ष की छाओ में अगर कथा सुन रहे हो, तुमने जो मांगा है, तुमने जो कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो तुम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, ये निश्चित है कि तुम्हें, हम तो कहेंगे 3 महीने में भी बहुत टाइम लगेगा, अभी गुजरात वालों को तो 2 कथा मिली है, ये मेरा विश्वास कहता है। जिन्होंने यहां कथा सुनी है उनका अगला ऐसा पत्र, ये मेरा विश्वास कहता है कि पावागढ़ के पास में जो कथा है उसमें मिल जाए।